आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत के चौथे दिन माँ भगवती के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ की कृपा से रोग शोक का नाश होता है, आयु बल आरोग्यता व सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, नवरात्रि माँ जगदम्बा के नौ स्वरूपों की पूजा करने के विशेष दिन होते हैं। इन नौ दिनों में माँ के नौ स्वरूपों की पूजा कर माँ को प्रसन्न किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कण कण में व्याप्त महामाया की शक्ति ही सारे विश्व को चलाने वाली और संपूर्ण चराचर की स्वामिनी है। वह अनादि और अनंत हैं। इन्हीं माँ जगदम्बा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। प्राचीन कथा के अनुसार माँ कुष्मांडा द्वारा ही सृष्टि का आरंभ किया गया था। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें देवी कुष्मांडा कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह देवी कुष्मांडा है। यह चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी है। माँ कुष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उसी समय उत्पन्न हुई और माँ के मुखमंडल की मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हुई। माँ की हंसी रूपी कुसुम से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य के प्रभा मंडल में माना जाता है। माँ का मुख सूर्य की तरह चमकता है। माँ की सवारी सिंह है। ये अष्ट भुजाओं से सुशोभित हैं। इनकी सात भुजाओं में चक्र, धनुष, गदा, कमंडल, बाण, अमृत से भरा कलश, कमल का फूल तथा आठवीं भुजा में जप की माला है, जो सभी सिद्धियों से युक्त है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से मनुष्य के रोग और शोक नष्ट होते हैं, आयु बल आरोग्यता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से स्वरता मुक्त करके सुख समृद्धि और मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। इसलिए अपने लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार बंधुओं, नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा कर कथा का श्रवण कर गेहूं के आटे और गुड़ से बने मालपुओं का भोग माँ को अर्पित कर माँ का आशीर्वाद पाएं। माँ जगदम्बा के ये नवरात्रि आप वे आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाएं, आपका घर आंगन खुशियों से भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।